हेलो मैम, वेलकम टू मूवीज अड्डा। थैंक यू मैम। जैसे कि हम सब जानते हैं, अब रणवीर और दीपिका की शादी हो चुकी है फाइनली। फैंस बहुत एक्साइटेड थे इस वेडिंग के लिए और कहीं ना कहीं पिक्चर्स भी काफ़ी वायरल अब हो चुकी हैं, तो आपका क्या कहना है एज अ फैन, क्या रिएक्शन आप? मुझे एक तो बहुत खुशी हो रही है क्योंकि वो दोनों बहुत एक दूसरे को चाहते हैं और बहुत सालों से एक साथ काम कर रहे हैं और उनकी पिक्चर्स देखने में मुझे बहुत मज़ा आता है। तो जब उनको मैं पिक्चर में देखता था इतना मज़ा आता था, जब उनकी शादी हो जाएगी अब साथ रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, बहुत अच्छे दोनों भी एकदम मस्त है एकदम। मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने तीन फिल्में एक साथ की, बाजीराव मस्तानी, रामलीला और पद्मावत। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सही जरूरी है, सही टाइम है और शादी करने का। और जब जब भी कोई तीन जो एक जोड़ी तीन बार हिट हो जाती है तो ऑब्वियसली बात है शादी कर लेनी चाहिए। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण, जैसा कि उन दोनों की शादी हुई 14 नवंबर को, मैंने देखा 14-15 दो दिन उन लोगों की शादी का डेट था और 15 नवंबर रणवीर सिंह अपनी तरह से चुने बिकॉज 15 नवंबर को फर्स्ट टाइम उन लोगों ने रामलीला के मंच पे उन लोगों का मुलाकात हुआ, मिले वो दोनों। डेट्स वाई उन्होंने सोचा कि 15 नवंबर को शादी की डेट भी रखते तो अच्छा रहेगा, इसलिए वो 14-15 को रखे। मैंने फोटोज़ भी देखी, शादी की फोटोज़ आई, अच्छी लगी मेरे को। मेरा रिएक्शन तो यही है कि जब से मुझे पता चला था कि दीप वीर शादी करने वाले हैं तभी से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि सोशल मीडिया पे भी उनके फ़ोटोज़ लगातार आ रहे थे और इन दोनों का रिलेशन भी काफ़ी समय से चल रहा था। तो मैं जब मैंने मेरे को पता चला कि अब इन दोनों की शादी होने वाली है, फाइनली शादी होने वाली है, तो क्या कहना, मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी तभी फाइनली उनकी शादी हो गई। मैं रणवीर के लिए बहुत खुश हूँ, बेचारा काफ़ी टाइम से 2-4 साल से लगा हुआ है शादी के लिए, अभी दीपिका मान गई हैं तो कंग्रेचुलेशन रणवीर सिंह। तो बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ रणवीर को कि अभी उसकी इतने सालों की जो वो था ना उसका सपना पूरा हो गया। ठीक है, उनका लाइफ है, उन्होंने एक अपना प्लान किया कि हमें अब शादी कर लेंगे, करियर सेट है उनका, अच्छी बात है, बढ़िया है, ठीक। बहुत अच्छे पिक्चर्स है, मतलब लोगों को ये क्यूरियोसिटी थी कि विराट कोहली के बाद जो पिक्चर्स देखने हैं शादी के वो किसके हो गए, दीपिका रणवीर के। देखा जाए तो बहुत अच्छे, उनके शादी को कंपेयर नहीं कर सकते पर अच्छा है, पिक्चर्स बहुत अच्छे हैं और मोस्ट अवेटेड वेडिंग था ये दिस ईयर का। मैम, हमारे चैनल पे आप रणवीर और दीपिका दोनों को ही उनकी न्यू मैरिड लाइफ के लिए कोई विशेस देना चाहेंगी? मैं तो ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी दोनों को, और जैसे वो एक दूसरे के साथ लगते हैं वैसे हमेशा लगते रहे और साथ में फिल्म करते रहे। हैप्पी मैरिड लाइफ रणवीर एंड दीपिका, आप दोनों खुश रहें अपनी ज़िंदगी में और आपका रिलेशन लॉन्ग टर्म तक चले। कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ। या आई वुड लाइक टू विश बोथ ऑफ देम हैप्पी मैरिड लाइफ एंड जल्दी एक क्यूट सा बच्चा हो उनका, अच्छा है, ग्रेट है। हाँ, रणवीर दीपिका, रणवीर सर अगर आप मुझे भी इनविटेशन दे तो बढ़िया था, बाकी कोई बात नहीं, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ सर, दीपिका मैम और रणवीर सर के साथ, बस इतना ही। आप लोगों को आपका बहुत बहुत बधाई, शादी है आपकी, आप इंजॉय कीजिए, बढ़िया।